जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, आज दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर के, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। यह यमुना नदी के किनारे है और इसे ब्रजभूमि कहते हैं। मथुरा सप्तपुरियों में से एक पवित्र नगरी है और इसका धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल से महत्व रहा है। यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण जो आदर्श योगी, गुरु, योद्धा, गृहस्थ और नेता हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में बहुत से मंदिर हैं, किंतु मुख्य तीन मंदिर हैं इस परिसर में। एक भगवान कृष्ण का केशव देव मंदिर, दूसरा जहां द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वह गर्भगृह और कारागार, तीसरा भागवत भवन। भागवत भवन में प्रमुख मूर्तियां श्री राधा श्री कृष्ण की हैं। ये मूर्तियां 6 फीट ऊंची हैं और इनके दाईं ओर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के मंदिर हैं और बाईं ओर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है और श्री राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी की मूर्ति है। इस परिसर में दुर्गा जी का मंदिर और भगवान शिव का पार्वत शिवलिंग मंदिर भी है। भागवत भवन की छत, दीवारें और स्तंभ सभी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों से चित्रित हैं। गर्भगृह के साथ योग माया माँ का मंदिर है, जो अष्टभुजी हैं। दीवारों पर ताम्रपत्र के ऊपर भगवत गीता उकेरी गई है। मंदिर परिसर में ही आयुर्वेद भवन है, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह है, दुकानें हैं, पुस्तकालय है और खुला मैदान है जहां पर श्री कृष्ण लीलाएं आयोजित की जाती हैं। मंदिर में एक पवित्र कुंड भी है। यह भारत की बहुत ही प्राचीन धार्मिक और पवित्र नगरी है। यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लूटा गया और कई बार आस्थावान शासकों ने और धनी लोगों ने मंदिर को बनवाया। वर्तमान मंदिर 1953 से 1982 तक बनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के शासक कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल रखा था, क्योंकि उन्हें आकाशवाणी में पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। यहीं कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कहा जाता है भगवान के पड़पोते वज्रनाभ ने यहाँ सबसे पहले जन्म स्थान पर ही मंदिर बनवाया था, जो लगभग
5000 साल से भी पुरानी बात है। 16वीं शताब्दी में यहाँ वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य आए थे। मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, जब भगवान को पीले वस्त्रों से सजाया जाता है, खीर में केसर डाली जाती है और पीले चावल बनाए जाते हैं, राधाष्टमी में झांकियां निकाली जाती हैं, दिवाली और गोवर्धन पूजा, होली जो कई दिन चलती है मथुरा में, गोपाष्टमी, शरद पूर्णिमा जब रासलीला भी आयोजित की जाती हैं, मंदिर लाइटों से, फूलों से और धार्मिक ध्वजों से सजाया जाता है, पूजा अर्चनाओं से सारा वातावरण दिव्य हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब मध्य रात्रि में शंख ध्वनि और घंटियां बजती हैं मंदिरों में और सब जगह हरे कृष्ण की गूंज उठती है तो सारा वातावरण प्रभुमय हो जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को पंचामृत भेंट किया जाता है, 56 भोग चढ़ाए जाते हैं जिनमें प्रमुख होता है माखन मिश्री, पेड़ा, खीर और मालपुआ, रबड़ी। श्रद्धालु अपना व्रत खोलते हैं और दिव्यता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राधे कृष्ण।